फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनिता वर्किंग ब्लॉग। और सब कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं अच्छी हूँ। और देखिए मैं कहाँ आ गई। आज मैं नहीं बनाऊंगी सोच रही थी, लेकिन इतना सुंदर नज़ारा देख के आप लोगों को शेयर करना सोची, फिर अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं, आज हमारे गांव आए हैं। तो बहुत दिनों के बाद नहीं आए थे, हमारा घर बनाना स्टार्ट हुआ तभी हम लोग गाँव नहीं आए थे। तो हमारा खेती थोड़ा घूमने आए हैं। अभी हम लोग चर्च गए थे, हमारे आज नया खानी है तो हम लोग चर्च गए थे। अभी चर्च से आए और ये थोड़ा घूमने आए हैं, कैसा कैसा हुआ है हमारा खेतीबाड़ी देखने आए हैं। तो देखिए ये सुंदर नज़ारा आप लोगों को दिखाने के लिए, हमारा कितना कितना हम लोग ये वाला खेती कर रहे हैं उसको आप लोग को दिखाऊंगे बोल के फिर अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम जितना हमारा खेत है थोड़ी सी आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद हमारा जो बगिया है, जो सब्जियां उगाते हैं उसको आप लोगों को दिखाऊंगी, और थोड़ा हमारा घर कैसा कैसा है, गांव का घर, उसको भी आप लोगों को शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए और एंजॉय कीजिए ये नेचुरल सीन, और देखिए कैसा सुंदर दिखेगा आप लोगों को। बहुत देखिए मेरा पीछे तरफ बहुत सारा है, मैं आप लोगों को बैक कैमरा में दिखा रही हूँ। देखिए पूरी कितना सुंदर नज़ारा है गाँव का। देखिए फ्रेंड्स, ये सब है, ये वाला बड़ा सा देखिए, वो वाला वो तक दिख रहा है, और ये वाला है, और आगे जो है वो वाला, और उसके आगे दो टू है। तो ये वाला है, और इधर आगे है हमारा बगीचा, सब्जी उगाते हैं। तो देखिए अभी तो धान नहीं हुआ है, ऐसे ग्रीनरी दिख रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए हमारा ये वाला खेती देखिए कैसे हुआ है। अभी धान नहीं निकला है, ये बड़ा वाला धान है, तो दिसंबर में होगा इसका जो कटिंग। तो ये वाला तो अभी बाकी है, और इधर हुआ है देखिए, मैं दिखा रही हूँ। इधर है देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर है तीन टू, इधर है ये छोटा छोटा, ये छोटा छोटा धान है उधर है। तो ये वाला अच्छे से नहीं हुआ है, देखिए देखिए कैसा छोटा छोटा है, ये वाला अच्छा नहीं हुआ। तो पानी ठीक से नहीं हुआ, ठीक टाइम से पानी नहीं हुआ, इसलिए ये धान भी थोड़ा अच्छी तरह से नहीं हुआ है। इधर एक ठू है, ये वाला साइड में देखिए, ये साइड का थोड़ा थोड़ा हुआ है, और उधर तो घास ही घास है, अच्छा नहीं दिख रहा है। और देखेंगे क्या क्या है बगीचा में, क्या क्या है। और एक है फ्रेंड्स हमारा, और दूसरा साइड में है, उसमें वो थोड़ा बड़ा वाला है। तो अभी देखिए थोड़ा जंगल जंगल क्या क्या है, क्या क्या लगाए हैं पता नहीं है, हम लोग बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, देखते हैं। अभी कुछ नहीं है, खाली खाली है, देखिए ये वाला रेडी हो रहा है, इसमें कुछ लगाने के लिए ये रेडी हो रहा है। इधर रहड़ गोच है, नहीं ये रहड़ी, ये दाल करने के लिए इतना बड़ा। ये सब खाली खाली है देखिए। क्या तोड़ रहे हैं ये, देखिए कितना मिर्ची, ये लाल का तुलना तुलो काची जाई छे बहुत। अच्छा लड़ा हरा भी खाए नहीं,
चीज का सफा करो। बढ़ल है कि नहीं बढ़ेल आ तो इधर देखिए कहाँ घुस घुस के। ये वाला एक ठू है देखिए, इधर ना कहे ना गो मिर्चा ना। ए दे बढ़ेल गुटे तुली दी तो कि नहीं बटे। हाँ दे भीतर पाची जीवा पूरा बतरी जाए छे। हाँ दे दुईटा। हाँ नहीं देख लो आ दे ना देखो छ। हाँ दे भीतर के तो बढ़िया मोहन था। हाँ दे आ देखो जो इटा गुटे। हाँ आओ हाँ दे गुटे ऊपरे। नहीं खान है तो पड़ी जो चाटी हो चे। इधर आशीष धरते धरते की चाटी। ओह चिट्टी कितना चिट्टी क्या तो तू धर एक तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला मिला। ये चींटी बहुत लग गया है। ये मैंने कहाँ ना करूँ छोन है बाटे घाटे करते लग थी भी। देखिए कैसा नज़ारा है हमारे गांव का। जंगल ही जंगल, सभी तरफ जंगल ही जंगल। बाबू हाय करो, हाय कर दो। ये आशीष बाबू है। रख तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग हमारा खेत घूम के आए। अभी थोड़ा हमारा घर घुमाऊंगी। जैसे जैसा है गांव का घर तो आप लोग को घुमाऊंगी। तो रीमा को दूंगी बैक कैमरा में आप लोग को दिखाती जाएगी। वेलकम हमारा गांव का घर। आइए तो दिखाते हैं हमारा गांव का घर में क्या क्या है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा साइड में ये वाला अशोक का ये फ्लावर्स बहुत ये हमेशा रहता है। सभी सीजन में ऐसे ही फूटता है। और ये देखिए सुंदर सुंदर ये वाला शो प्लांट है। हाँ हैंगिंग प्लांट है। और ये वाला कटिंग करना है। इधर इसका बड़ा सा है, उधर साइड में भी है। और ये वाला सब छोटा छोटा फ्लावर्स है। और इधर देखिए फ्रेंड्स ये वाला भी शो प्लांट है। इधर छोटा छोटा ऐसे प्लांट लगा हुआ है। ये वाला पिंक कलर का नहीं, ये वाला फूल नहीं हुआ है। और ये सदाबहार है, कितना सुंदर दिख रहा है रेड वाला सदाबहार। और ये इसका नाम क्या है रे, इसका नाम पता नहीं है फ्रेंड्स, इतना सुंदर हुआ है। और ये देखिए ये कैसे हुआ है, ऐसा ऐसा था ये वाला, ये यहाँ पर बड़ा वाला था तो इसको कटिंग करके ये वाला हो गया है, सादा सादा हो गया है। ऐसा वाला था, ऐसा वाला था, ये वाला सादा हो गया है, सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये वाला भी है इधर।
और देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए रोज का कितना सुंदर है, ये वाला सुंदर सुंदर है, छोटा छोटा है रोज का, कितना सुंदर है। और देखिए सामने में ये वाला छोटा छोटा पौधे लगाए हैं, वो दादी माँ लगाई है। और इधर घर दिखाएंगे, पहले इधर का चलो बोलो। देखिए इधर हमारा धान घर है, जो धान रखते हैं, कुबेर खजाना रूम है ये। देखिए सब अंधेरा दिख रहा है, यहाँ पर धान रखते हैं, वो वाला धान का पुटली है इधर। चलो इसको क्या चारा दे, पूरा खुला सा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दिखा दे, यहाँ से देखिए, इधर से इधर भी एक विंडो है, और ये वाला खुला खुला हवा आने के लिए इधर विंडो है, वो है इधर भी खुला खुला छोड़े हैं, और ये वाला बड़ा सा लंबा सा इधर पूरा खुला हुआ है। उधर घर बना रहे थे तो तभी ये वाला किचन था, तो अभी हो गया उधर का घर, तो ये वाला खुला छोड़े हैं। तो चलिए उसके बाद दिखाते हैं उधर। देखिए हमारे आंगन के साइड में ये वाला गैरेज से गाड़ी रखने के लिए, साइकिल गाड़ी यहाँ पर रहता है, ये ऐसे ही खुला ये इधर। ये है गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर अमर रहता है, अभी तो अमर रहता है, कोई गेस्ट आने से यहाँ पर हम लोग रखते हैं। चलो तो फ्रेंड्स गेस्ट रूम के साइड में ही देखिए हमारा रूम है, ये हमारा रूम है। तो देखिए हमारा रूम बहुत दिनों से बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं खुला भी नहीं हुआ है, हम लोग देखिए नहीं रहते हैं हम लोग, तो ये सब ऐसे सब बेड सब हम लोग ऐसे रख के गए हैं। और ये विंडो है इधर, और ये थोड़ा सा छोटा सा है हमारा, और देखिए हमारा रूम के साइड में ही, देखिए हमारा रूम के साइड में ये वाला स्टोर रूम है, हमारा जितना भी सामान है यहाँ पर है, रखते हैं, अभी खुला नहीं है, नहीं खुलेंगे, बहुत कहाँ पर है चाबी उसका पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टोर रूम है। उसके बाद इधर देखिए उधर है रीमा के रूम, और हमारे मम्मी जो सासू माँ के रूम है उसको दिखाते हैं, आइए। देखिए ये वाला पूरा खुला है, ये टीवी रखा हुआ है, और ये है हसुमा के रूम। देखिए ये सासुमा के रूम कितना सुंदर। देखिए ये वाला सासुमा के रूम है, देखिए ऊपर हम लोग अल्वेस्टर किए हैं, और इसके ऊपर ऐसे सीलिंग कर दिए हैं, सभी रूम में सीलिंग है। देखिए तो इधर हमारे सासुमा बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो इधर सोफा गिरा हुआ है, और इधर रीमा के रूम है, ये रीमा के सभी लड़कियों का रूम है, हमारे जितने भी लड़की हैं सभी लड़कियों का रूम है, ये देखिए। चलो हाय कर दो, ये रीमा कीर्ति मेरा प्लांट, मैं फुर्गोस दिखाऊं, मेरी गस बढ़ गई है, ये वाला प्लांट लगाई है इधर, मनी प्लांट, और बाहर भी है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा। देखिए ये ज़्यादा पढ़ते हैं इन लोग, ये सब मैप लगाए हैं, और इधर भी पढ़ने के लिए, ये सब रीमा ऐसे बनाई है अपने रूम में, और ये वाला ऐसे डेकोरेट की है उसका, पानी बोतल पानी पी रहा है रेडी। और देखिए ये छोटा सा कीर्ति है और रीमा है, ये वाला ये
कीर्ति और ये रीमा, ये कीर्ति का पहला स्कूल जा रही है तभी का फोटो है। चलो तो निकलते हैं अभी, इधर का हो गया और चलिए चलते हैं फिर हमारा इधर। इधर हमारा था पुराना वाला घर, तो इधर पुराना वाला घर था, इसको तोड़ के हम लोग फिर ये वाला बनाए हैं। तो ये वाला देखिए इधर है, ऐसा लंबा सा एक बरंडा। ये क्या रे, गांव में ऐसे ही लंबा लंबा खुला खुला रहता है, अच्छा लगता है। तो देखिए इधर बाहर, बाहर ऐसे ये स्लाइडर दे दिए हैं दोनों तरफ। तो इधर घुसते हैं, इधर भी दरवाज़ा छोड़े हैं हम लोग। इधर साइड में फिर बनाना है घर, तो देखिए साइड में भी, ये साइड में भी दरवाज़ा, ये डाइनिंग टेबल, और इधर वॉश बेसिन के लिए छोड़े हैं, नहीं लगाए हैं अभी। ये पूरा वॉल में, ये पूरा वॉल में वॉश बेसिन का वॉल टाइल्स लगेगा और यहाँ पर वॉश बेसिन लगेगा। तो यहाँ पर दो रूम है, इधर बेडरूम, तो इधर किचन। तो इधर किचन दिखा रही हूँ, देखिए। तो देखिए स्लैब है, तो ये फ्रिज, और देखिए ये वाला टाइल्स लगाए हैं इधर। देखिए बड़ा सा किचन है, गांव घर का किचन ऐसा ही होता है, तो हम लोग बड़ा बड़ा ही रखे हैं। और देखिए ये वाला जो गैस के लिए यूज होता है, तो ये वाला गैस के लिए रखे हैं। और जो चूल्हा में होता है, तो हम लोग फिर और एक इधर घर बनाए हैं चूल्हा के लिए। तो देखिए चूल्हा के लिए, और इसके अंदर देखिए ये धोने के लिए भी साइड में है, और ये अच्छी तरह से हवा आएगा और जितना भी धुआँ होता है तो दोनों तरफ अच्छी तरह से धुआं आ जाएगा बोल के। देखिए यहाँ पर दो विंडो छोड़े हैं, उधर एक उधर एक। तो इधर है चूल्हा, ये चूल्हा का खाना, और उधर गैस के लिए, उधर गैस के लिए, इधर चूल्हा के लिए। चलिए इधर चलते हैं फिर। अरे देखा वो, तो फ्रेंड्स देखिए इधर फिर किचन की साइड में जो मैं बताई थी, इधर एक गली है, इधर भी बनाना है पूरा ये वाला। इधर एक है देखिए, ये ढेंकी घर बोलते हैं हमारा, सब बिखरा हुआ है इधर उधर सामान। तो ये वाला ढेंकी देखिए, ऐसे कूटते हैं यहाँ पर, चूना कूटते हैं, चावल कूटते हैं। देखिए ये वाला ढेंकी बोलते हैं। तो फिर इधर एक दरवाज़ा फिर रखे हैं बाहर के लिए, देखिए देखिए इधर घेरा हुआ है। और इधर देखिए पूरा साइड में बाउंड्री इधर छोड़े हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग तो नहीं रहते हैं, साफ सुथरा भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है सब। इधर हमारे रूम का साइट है ये पीछे तरफ, और देखिए कितना सुंदर फ्लावर्स दिख रहा है, इतना बड़ा हो गया है, देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये सनफ्लावर है, ऐसा सनफ्लावर जैसा है, देखिए कितना बड़ा सा फ्लावर। उसको आप लोग को थोड़ी सी दिखा रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये वाला बाथरूम है, और ये वाला लेटरिन गांव का, और देखिए कितना सारा ये वाला हुआ है लेम्बू लेमन, देखिए कितना सारा हुआ है, बहुत सारा है। इधर एक ठू है और उधर भी है। फ्रेंड्स हमारा ये गांव का
छोटा सा टूर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए पैसा भी नहीं लगता फ्रेंड्स, लाइक करने के लिए भी पैसा नहीं लगेगा। तो ज़रूर जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है मेरा वीडियो देखने के लिए, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो जो मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी मैं आगे गर्लन वाला सिखाती हूँ, जो जो सिखाती हूँ नया नया, जो भी हमारा जो भी नया आता है, तो आप लोगों को शेयर करूँगी और आप लोग भी सीख सकते हैं। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। फिर हम लोग अभी खाना खा के फिर जाएँ, फिर आज ही लौटेंगे फ्रेंड्स संबलपुर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो हेलो, चलो कैमरा भीतर के ढुकी जा, नहीं दिए क्या जुनेब इरा कीर्ति बांध रही है। चलो तो कितना।